राजधानी के आरईओ में शैक्षणिक सत्र खत्म होने से पहले आरईओ प्रशासन की ओर से छात्र संघ पदाधिकारियों को कार्यालय खाली करने के लिए आदेश दिए गए थे, लेकिन आदेश के बावजूद भी छात्र संघ पदाधिकारियों ने कार्यालय खाली नहीं किया। आरईओ डीन गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शैक्षणिक सत्र खत्म होने से पहले आरईओ प्रशासन की ओर से छात्र संघ पदाधिकारियों को नोटिस जारी करके कार्यालय खाली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन कार्यालय खाली नहीं करने पर आरईओ प्रशासन की ओर से मंगलवार को छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ में बैठक रखी गई, लेकिन इंतजार के बाद भी छात्र संघ पदाधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे, जिस पर लोकसभा चुनाव और परीक्षाओं को देखते हुए 6 मई तक का समय दिया गया है। तब तक कार्यालय खाली नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करते हुए कार्यालय खाली करवाए जाएंगे। छह दिन पहले मैंने सभी पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया था कि 30 तारीख लास्ट वर्किंग डे है, क्योंकि सेशन का एंड होता है। पहले कभी 15 मई तक भी हुआ करता था, लेकिन अब पिछले 2 साल से 30 अप्रैल लास्ट वर्किंग डे है। तो मैंने 6 दिन पहले ही उनको नोटिस जारी करके ये अवगत करा दिया था कि 30 तारीख लास्ट वर्किंग डे है।